तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपके टीवी में और रिमोट में कुछ प्रॉब्लम आती है, और वहाँ हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि हमारा टीवी खराब हुआ है या हमारा रिमोट खराब हुआ है। तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ आप सामने एक टीवी देख रहे हैं और मेरे हाथ में ये इसका रिमोट है। ये टीवी अभी मैंने पावर दी हुई है लेकिन रिमोट से अभी बंद है। यहाँ पे आप देखिए लाइट जल रही है। ये जो लाइट जल रही है इसका मतलब जो है टीवी रिमोट से बंद है, और यहाँ इसका सेट टॉप बॉक्स है ये भी बंद हो रखा है। तो हुआ क्या था कि अभी 2 दिन पहले ये टीवी रिमोट से जब मैं ऑन कर रहा था तो ये ऑन नहीं हो रही थी। ये इस टीवी का रिमोट है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें सेल है और मैं इसे ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रही है। तो मुझे क्या लगा कि ठीक है, मेरा रिमोट जो है, अक्सर रिमोट ख़राब होते रहते हैं 2-4-6 महीने में, या कई बार ये रिमोट गिर जाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा रिमोट ख़राब है, इसलिए मैंने जाके मार्केट से सेम जो है नया रिमोट लेके आया मैं। और जब आप दुकान से रिमोट खरीदते हैं तो वो लोग चेक करके देते हैं रिमोट को कि रिमोट सही है या ख़राब। तो मैं नया रिमोट लेके आया क्योंकि रिमोट में मुझे प्रॉब्लम लगी थी, तो मैं नया रिमोट लेके आया। मैं नया रिमोट भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो रिमोट देख रहे हैं ये नया रिमोट है, और ये पुराना वाला रिमोट है सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला जो नया रिमोट है, मैं जब इसको लेके आया तो इसके साथ भी मैंने वही किया। इसमें भी जो है नया सेल डाला, और क्योंकि नया रिमोट था तो मुझे लगा मेरी प्रॉब्लम रिमोट की थी और वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद भी मैंने इसको ऑन किया, बट इसकी लाइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये ऑन नहीं हुआ। ये रेड लाइट जल रही है, मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा है बट यहाँ पर रेड लाइट है। और जब ये ऑन होती है तो दोस्तों ये लाइट बंद हो जाती है, लेकिन अभी ये कंटिन्यू लाइट जल रही है, और ये रिमोट जो है नया रिमोट है और ये ऑन नहीं हो रहा है इससे। तो हुआ क्या दोस्तों, बाद में फिर मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि मेरा रिमोट ये भी ठीक है जो मैं नया लाया हूँ, और उससे पहले जो पुराना रिमोट था वो भी ठीक था। खराबी रिमोट में नहीं है, खराबी मेरे टीवी में है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये टीवी रिमोट से ऑन नहीं हो रही है। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इस टीवी को डायरेक्ट बटन से ऑन करता हूँ, ये देखिए तो टीवी ऑन हो गई है। मतलब ये टीवी ऑन हो रही है लेकिन रिमोट से ऑन नहीं हो रही है, इस रिमोट से ये नहीं चल रही है। देखिए टीवी ऑन हो गया है, और यहाँ पे लाइट भी आप देखेंगे तो वो लाइट बंद हो गई है, यानी कि ये जो लाइट जल रही थी ये बंद हो गई है। अभी सेट टॉप बॉक्स बंद है इसलिए नो सिग्नल दिखा रहा है। तो टीवी ऑन हो रही है, यहाँ से ऑफ अगर मैं करना चाहूँ तो ऑफ भी हो रही है डायरेक्ट पावर से, ये देखिए, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो जब मुझे पता चला कि टीवी में खराबी है तो मेरा ये जो वेस्ट हो गया रिमोट का लाना, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिमोट सही है या ख़राब है। चलिए मैं आपको रिमोट पर लेके चलता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 रिमोट है, ठीक है, 3 रिमोट है। ये मैं आपको बता दूँ, ये नया रिमोट है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कैमरे में, ये नया रिमोट है जो मैंने परचेज़ किया। इससे पहले मैं ये रिमोट चला रहा था, और ये रिमोट जो है पुराना रिमोट है, ये भी ख़राब रिमोट है। ये कन्फर्म है कि ये रिमोट ख़राब है। ये दोनों रिमोट सही हैं, ये नया है और ये अभी मैं यूज़ कर रहा था। तो मैंने रिमोट परचेज़ कर लिया। रिमोट परचेज़ करने से पहले मैं चाहता तो चेक कर सकता था लेकिन मैंने चेक नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे कि रिमोट सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम इस रिमोट को चेक करेंगे, जो रिमोट मैं करेंटली यूज़ कर रहा था टीवी में, इस रिमोट को मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने इसको परचेज़ किया नया, इसको चेक करेंगे, और फिर ये ख़राब वाला रिमोट है जिससे हमको कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे चेक करते हैं और कौन सा रिमोट ख़राब है कौन सा सही है, ये भी आसानी हो जाएगी पता करने के लिए। तो सबसे पहले इस रिमोट को चेक करते हैं। इसमें सेल एक में है, हम ये वाला सेल इसमें डाल देंगे। तो इसमें मैंने सेल डाल दिया है, ये वो रिमोट है जो अभी मैं करेंटली मैं यूज़ कर रहा था। चलिए इसको ढक्कन छोड़ देते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, आपको रिमोट को कैसे चेक करना है कि अपने सामने आपको एक मोबाइल रखना है, उसका कैमरा ऑन करना है फ्रंट का, और उसके बाद आपको जो है यहाँ कुछ इस तरह से चेक करना है। इसको रिमोट में जाना है और अपना रिमोट लेना है, और यहाँ कैमरे की लाइट में इसको चेक करना है। जब आप इसको पुश करेंगे कोई भी बटन तो यहाँ पर लाइट दिखाई देगी, ये देखिए इस तरह से। ध्यान रहे दोस्तों, ये मिरर में काम नहीं करेगा इसलिए आपको मोबाइल कैमरे में ही चेक करना है। तो इसको दबाने से, कोई भी बटन दबाने से, मैं रिमोट की कोई भी की दबाऊंगा
तो इस तरह से इसमें लाइट दिखाई देगी। इसका मतलब ये रिमोट जो है मेरा ठीक है, वर्किंग में है, ये रिमोट मेरा काम कर रहा है। चलिए इस तरह से दूसरे को चेक कर लेते हैं। अब ये वो नया वाला रिमोट है जो मैं परचेज करके लेके आया था। तो इस नए रिमोट को भी चेक करते हैं और देखिए इसको भी इसी तरह से चेक करना है आपको अपने मोबाइल कैमरे में। ये देखिए इसमें भी लाइट जल रही है, इसका मतलब ये रिमोट भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है टीवी में जब रिमोट में कभी कोई दिक्कत आए तो आप अपने मोबाइल कैमरे में ही घर पे चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन सा रिमोट सही है और कौन सा ख़राब है। ये देखिए काम कर रहा है। और अब दोस्तों अगर आपके रिमोट में कोई प्रॉब्लम है, इसको भी साइड कर देते हैं। अगर आपके रिमोट में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि ये जो रिमोट है वो ख़राब है, तो अगर आपके रिमोट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से। ये देखिए अब अगर मैं इसको करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी इसमें कोई भी एक्टिविटी लाइट की नहीं हो रही है। ये देखिए कोई भी एक्टिविटी लाइट की नहीं हो रही है। मैं कोई भी की दबा रहा हूँ, इसमें लाइट नहीं जल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों ये जो रिमोट है ये ख़राब है। तो इस तरह से आप रिमोट को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, मोबाइल के कैमरे में, कि रिमोट ख़राब है या नहीं। अगर इस तरह से लाइट जलती है तो इसका मतलब रिमोट सही है, आपके टीवी में प्रॉब्लम है। और अगर लाइट नहीं जलती है इसका मतलब आपके रिमोट में प्रॉब्लम है। और अगर लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि आपका रिमोट सही है, रिमोट एकदम सही काम कर रहा है, आपके टीवी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रिमोट परचेज करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक रिमोट हमारे पास और है, ये सेट टॉप बॉक्स का है जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, जो सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है। तो इसका ये रिमोट है और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ना, अगर मैं इसको पुश करता हूँ ये रिमोट ठीक है, ये नया रिमोट है, वर्किंग में है। अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो देखिए इसमें भी लाइट दिखाई देती है। अगर इसको आप मोबाइल के अलावा देखिए यहाँ पे आप दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी आपको। ये देखिए लाइट दिखाई देगी आपको। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे ही आँखों से चेक करेंगे, बटन दबाएंगे, तो इसमें कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती। हालांकि यहाँ क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए यहाँ लाइट दिख रही है। अगर इसको ऐसे ही बाहर आप आँखों से देखेंगे तो आपको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये रिमोट वर्किंग में है, ये रिमोट काम कर रहा है। तो इस तरह से आप रिमोट को अपने कैमरे में, मोबाइल कैमरे में चेक कर सकते हैं।